नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार में एक ओर सूखा तो दूसरे ओर बाढ़। बाढ़ की ऐसी विकट स्थिति बिहार के 15 जिला में लगभग हो गई है, जिसके कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर पानी, थाना में पानी, अस्पताल में पानी, स्कूल में पानी, NH पर पानी। लोग ऊंचे स्थान की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और सड़क के किनारे NH के बगल में बसेरा बनाकर रहने लगे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि बिहार में अब तक 56 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हो गई, जिसमें 20 व्यक्ति अररिया में मर गए और बेतिया की स्थिति सबसे बदतर कही जा रही है। बेतिया के स्कूल हो, बाजार हो, चौक हो, बेतिया के लौरिया के चौक जलमग्न हो चुका है। लौरिया के स्कूल, सहजा स्कूल में पानी घुसा हुआ है, थाना में पानी घुसा हुआ है। लौरिया के अशोक स्तंभ डूब चुका है, लोग वहां भागे भागे फिर रहे हैं। लोगों का जीवन दुभर हो गया। एक और जहां बारिश लगातार एक हफ्ते से हो रही है, जबकि अभी भी बारिश होने की आसार है। 15 जिला में लगभग 56 लोग मरे हैं और 70 लाख लोग अब तक बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ऐसा कहर, बाढ़ के पानी का ऐसा कहर टूटा है कि लोगों का जीना दुभर हो गया। गोपालगंज में रात में 3 मंजिला मकान कागज के मकान के तरह ढहकर गिर गया। पानी अत्यधिक है। नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण नेपाल से सटे जिले पर सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि नेपाल से कई क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उस पानी के छोड़े जाने के कारण बिहार के सटे जिला में अत्यधिक पानी का प्रवेश हो चुका है। अररिया जिला, बिहार का अररिया जिला काफी प्रभावित हुआ। सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर इत्यादि जिलाओं में पानी का प्रवेश काफी तौर पर निचले स्तर में हो चुका है। लोग निचले स्तर से घर छोड़कर भाग रहे हैं और अन्यत्र ठहरने के लिए विवश हैं। लोगों के भोजन के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। त्राही माम मची हुई है। एक ओर सूखा तो दूसरे ओर पानी ही पानी। बिहार के लोगों का जीना दुभर हो चुका है। ऊपर से बारिश लगातार हो रही है। बारिश का कहर अलग, बाढ़ के पानी का कहर अलग। कोसी हो, गंडक हो, महानंदा हो, बरंडी हो, गंगा हो, हर नदी में पानी का बढ़ना शुरू हो चुका है और पानी का स्तर बढ़ते ही गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। कई लोग घर छोड़कर भाग गए, कई लोग गांव डूब चुका है, गांव के लोग भाग चले हैं, सड़क पानी से डूब चुका। जोगबनी नेपाल से सटे अररिया जिले की जोगबनी की रेल लाइनों पर पानी आ गया। कई ट्रेनों को रद्द कर दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। फारबिसगंज बाजार में पानी प्रवेश कर चुका है। NH 31 पर पूर्णिया से जो अररिया और बंगाल को जोड़ने वाली सड़क थी, कल शाम में 15 किलोमीटर तक टूट चुकी है और हजारों गाड़ियों का भीड़ जाम में फंस चुका है। हजारों गाड़ियों के ड्राइवर और खलासी सड़कों पर खाना बनाकर खा रहे हैं और सड़क टूट चुका है। कई चचरी पुल टूट चुका है, कई पुल पुलिया धस चुके हैं। सड़कों पर इस तरह पानी का प्रवेश हो चुका है कि लोगों को सड़क और सड़क के नीचे का स्थान का अंदाजा नहीं लग रहा। लोग बहुत ही परेशान और दुखी हैं। लौरिया के
1000 गांव पानी से लगभग प्रभावित हो चुका है। 70 लाख आबादी बाढ़ के चपेट में आ चुका है। और शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया और सुपौल में पानी का प्रवेश तेजी से हो रहा है। नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है। अररिया के पूर्णिया के बीच के NH टूट चुका है 15 किलोमीटर। बंगाल के अंदर भी पानी प्रवेश कर चुका है। पुल धसना प्रारंभ हो चुका है। परेशानी का आलम है। लोग जीने के लिए तड़प रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से दौरा करके जायजा ले रहे हैं और वह भी केंद्र से त्राहिमाम संदेश भेजकर मदद मांगने का प्रयास कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाकर बैठकों में तय कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाया जाए। यह बहुत बड़ी विडंबना है। एक और धूप, गुम्मस और गर्मी से लोग त्राहिमाम थे, वहीं दूसरी ओर लगातार रिकॉर्ड तोड़ पानी पड़ने से और नेपाल से पानी छोड़े जाने से 15 जिला अब तक प्रभावित हो चुका है और पानी का फ्लो तेज है। अभी भी पानी प्रवेश कर ही रहा है। लोग परेशान हैरान हैं कि कहां जाएं, कैसे बचें। अपने पशुओं को बचाने के लिए परेशान हैं, खुद को बचाने के लिए परेशान हैं। बाजार में, मकान में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है, कच्चे मकान टूटकर गिर रहे हैं। ऊंचे स्थान पर लोग सड़क किनारे ठहर गए हैं। कटिहार जिले के अगल बगल के क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो चुका है। लोग परेशान और हैरान हैं। लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इस विपदा से बचाओ। और ऐसी विपदा इस बार बिहार के अंदर में आई है कि जिसका ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। सरकार राहत सामग्री भेजने के प्रयास कर रही है, बताया जा रहा। केंद्र से भी मदद मांगा गया है। केंद्र भी मदद करे या न करे वो बात की बात है, लेकिन बिहार सरकार मदद करने के लिए कमर कस चुकी है। कई संगठन के लोग भी मैदान में उतर चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। परेशानी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो चुका है। कई जिला का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। वर्णन करने से वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ही मोटा मोटी जान लें कि 15 जिला के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान अब नहीं जा सकते। स्थिति बद से बदतर हो गई है। दोस्तों, यह विपदा की घड़ी में हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे आवे ताकि मानवता जीवित रहे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाल बटन बेल दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया वीडियो सही समय पर तुरंत मिल सके। धन्यवाद।